हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपको आज उत्तराखंड का स्वर्ग हर्षिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैंने यहां पहले ट्रैवल भी किया है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये हर्षिल जाते टाइम का है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हर्षिल कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, कितने दिन का आप टूर प्लान कर सकते हैं और कितना खर्चा आपका आ सकता है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइज, सबसे पहले हर्षिल को हर्षिल क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने इसी जगह में हरि का रूप लिया था और भागीरथी और जलधारी नदी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने यहाँ एक पत्थर का शिला का जो रूप है, पत्थर का शिला का रूप लेकर इनके प्रचंड को कम किया था। तभी से इसका नाम हरिशिला या हर्षिल पड़ा। और ये हर्षिल जो है गाइज, एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड जिला उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तरकाशी से अराउंड 70 किलोमीटर की दूरी पर ये हर्षिल स्थित है। हर्षिल गंगोत्री मार्ग पर पड़ता है, जहाँ पर भागीरथी नदी अपने शांत रूप में बहकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो गाइस, जब आप हर्षिल जाएं तो गंगोत्री धाम भी आप जा सकते हैं। हर्षिल से गंगोत्री लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हर्षिल से आप शेयरिंग जीप से भी जा सकते हैं, जिसका किराया करीब 100 रुपये होता है। वहीं आप पूरी जीप बुक करके भी जा सकते हैं, जो 2000 रुपये अप डाउन का लेती है। गंगोत्री धाम के कपाट मई से अक्टूबर के बीच में खोले जाते हैं, जिस दौरान लाखों श्रद्धालु माँ गंगोत्री धाम के दर्शन करने पहुँचते हैं। इसके अलावा वहाँ मुखवा गांव भी है। जब बर्फबारी के दौरान गंगोत्री धाम का कपाट बंद हो जाता है तो माँ गंगा की मूर्ति को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ मुखवा गांव में ही लेकर आते हैं। मुखवा गांव को माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। तो गाइज, यहाँ अवश्य आए, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। अगला है धराली विलेज। धराली गांव हर्षिल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। हर्षिल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धराली विलेज। ये गांव गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां से प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है और यहां से हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों को भी साफ रूप से देखा जा सकता है। धराली में सेब, राजमा और लाल सेम के कई सारे बगीचे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, तो आप धराली ज़रूर जाएं। अगला है भगोरी गांव। भगोरी गांव के बारे में गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भगोरी गांव साफ़ सफाई के मामले में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। उस गांव को साफ़ सफाई के मामले में सर्वश्रेष्ठ बोल के भगोरी गांव को भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हर्षिल में इस गांव को सेब का भंडार कहा जाता है। यहां आपको हर तरफ सेब ही सेब के खेत दिखाई देंगे। अगर
आपको सेब के बगीचों में घूमने के साथ साथ मीठे सेब का आनंद लेना है तो भगोरी जाना ना भूलें। इसके अलावा गरतांग गली भी आप जा सकते हैं। गरतांग गली बहुत खूबसूरत है, यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। फोटोशूट के लिए भी ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और हर्षिल में एक मूवी बनी थी जिसका नाम राम तेरी गंगा मैली था। ये मूवी 1985 में सुपर हिट हुई थी, तो इस मूवी की शूटिंग भी यहीं हर्षिल में हुई थी। तो आप वो लोकेशन भी आप यहां आके देख सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बताया हर्षिल के कुछ प्रसिद्ध स्थान। इन सब जगहों पर घूमने के लिए आपको 3 दिन का समय लग जाता है। इन 3 दिनों में आप आराम से हर्षिल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप हर्षिल कैसे पहुंच सकते हैं। हर्षिल गांव सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो अपने वाहन से भी हर्षिल पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से आपको उत्तरकाशी पहुंचना होगा। उत्तरकाशी से आपको हर्षिल के लिए शेयरिंग जीप मिल जाती है जिसका किराया करीब 200 रुपये पड़ता है और 2 से 2.5 घंटे में आपको हर्षिल पहुंचा देती है। और हरिद्वार से उत्तरकाशी का किराया करीब 300 रुपये होता है। अगर बात करूं हर्षिल कब जाएं, तो हर्षिल आप साल में किसी भी मौसम में जा सकते हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। हालांकि ठंड के मौसम में यहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है तथा यहाँ का तापमान भी 0 के नीचे चला जाता है, जिस कारण सर्दियों में पर्यटकों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको मार्च से अक्टूबर या नवंबर तक ही जाना चाहिए। उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी खुशनुमा और चारों तरफ हरियालियों से भरा होता है। हर्षिल यात्रा के दौरान आप कहाँ रुकें? तो गाइज, हर्षिल में कई होटल्स, होम स्टे और कॉटेजेस हैं। आप कहीं भी रुक सकते हैं। रहने के लिए आपका खर्चा वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा स्टे चाहते हैं। फिर भी एक अच्छा रूम आपको 800 से 1000 रुपए में मिल जाएगा और खाना पीना भी अराउंड 400 से 500 दिल्ली का लेके चलिए। हर्षिल विलेज। Thank you.
गाइस ये है सुखी टॉप। जब हम हर्षिल की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में ही पड़ता है हर्षिल से पहले, तो आप जब भी हर्षिल की तरफ आएँ तो सुखी टॉप थोड़ी देर रुककर यहाँ की सुंदरता का लुफ्त ज़रूर लें। मैं भी जब गया था तो यहाँ मैंने थोड़ी देर रुक के यहीं हमने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आके थोड़ी देर ज़रूर रुकें, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मैं जब हर्षिल गया था तो वापसी के टाइम पे मैं यहाँ रुका था और बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा ये सुखी टॉप, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, आप यहाँ आके ज़रूर रुकना गाइस। और बहुत ही प्यारा लोकेशन है ये, देखिए। छोटे छोटे घर कितना प्यारा है, नहीं? ये हमारा ब्रेकफास्ट है सुखी टॉप में, हमारा ब्रेकफास्ट। तो गाइज आई होप आपको ये हर्षिल की इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा एक नई लोकेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल।